यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई गाड़ी आ भी रही होती है तो आपको देखकर रुक जाती है, आप रोड क्रॉस करेंगे फिर वो आगे जाएगी। यही चीज़ अगर मुंबई में होती है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होते और सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो वो और दुगनी स्पीड से गाड़ी बढ़ाता है कि बेटा तुम पीछे हट जाओ ना कुचल दिए जाओगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ गुवाहाटी में, मेरा ये तीसरा दिन है गुवाहाटी में। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं खड़ा हूँ अपने होटल के सामने। पिछले 2-3 दिन से मैं इवेंट में बिजी था, फाइनली अभी वहाँ से मुझे छुटकारा मिल गया है, वो काम हो गया है। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, आई एम श्योर मज़ा आया होगा। तो अब इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं गुवाहाटी को एक्सप्लोर करने की, और हमने प्लान ये किया है कि हम जल्दी शुरुआत कर रहे हैं दिन की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुवाहाटी की जो जगह है उनको देख पाएँ, क्योंकि यहाँ पर सूरज 1.5-2 घंटे पहले निकलता है, यानी दिन बहुत जल्दी होता है और रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 5:15 बजते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कामाख्या देवी टेम्पल के लिए। फिलहाल अभी हमारे दोस्त लोग खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं कामाख्या देवी टेम्पल चलते हैं और मैं इन लोगों से मिलवाता हूँ। 2 लोग मेरे साथ और जा रहे हैं टेम्पल तक, तो चलो कैब भी अपनी आई गई है, चलते हैं। ये है रोहित और दूसरा बंदा अपनी कैब में बैठा हुआ है। यह है होटल जहाँ पर हम रुके थे, ग्रैंड स्टार लाइन जगदीश भारद्वाज। ये यहाँ का लोकल मार्केट है ना गुवाहाटी का, पल्टन बाजार, फैंसी बाजार। तो बेसिकली एक तरह की स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जगह बहुत ही अच्छी है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही अच्छा, यहाँ से ये ब्रिज है उसको क्रॉस करके एक और मार्केट है जिसका नाम है फैंसी बाजार। कामाख्या देवी मंदिर के बाहर का ये मार्केट है छोटा सा, यहाँ बहुत सारे पंडित आपको लपेटने की कोशिश करेंगे पर आपको उनके चक्कर में नहीं आना है। बैग में पैसा मोबाइल होने से अपना पर्स रखो, 30 रुपीज होगा। 30 रुपीज़। तो इस तरह के काउंटर बने हुए हैं, अगर आपके पास कुछ कीमती सामान है, कैमरा वगैरह लेकर आते हो आप या लैपटॉप वगैरह है, तो इस तरह के काउंटर पर रख सकते हो। 30 रुपये इसका टोकन चार्ज है, सामान सेफ रहेगा। काफ़ी बड़े प्रेमाइसिस में ये मंदिर बना हुआ है। पूरे इंडिया में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक है ये मंदिर कामाख्या देवी टेम्पल। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए, पूरे भारत से और इवन भारत के बाहर से भी। अच्छा नॉर्मल और स्पेशल वो ऊपर वहाँ पर वो लाइन लगी हुई है ना, वो बाहर से होते हुए लाइन से होते हुए फिर ये मंदिर है, मंदिर के अंदर आना होता है। लेकिन अगर आप 500 रुपये का टिकट लेकर आना चाहते हैं तो आपको फिर उतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आपको सीधे इस दरवाजे के अंदर से होते हुए आपको सीधे मंदिर के अंदर जाना है और दर्शन हो जाएंगे। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि पैसे देकर दर्शन किए जाएं, लेकिन अभी समस्या कुछ ऐसी है कि हमारे पास समय बहुत कम है। गुवाहाटी एक्सप्लोर करना है मेरे को एक ही दिन में, मैंने सोचा कि ये 500 रुपये वाला टिकट ले लिया जाए और अगर दर्शन जल्दी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, हम थोड़ा और अच्छे से गुवाहाटी को घूम सकते हैं, हमें समय मिल जाएगा। ये लोग को 3 बजे फ्लाइट पकड़ के मुंबई पहुंचना है, इनके पास भी समय नहीं है, तो इनकी वजह से बेसिकली हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं तो हम लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते कभी भी। हाँ मंदिर में दर्शन करना तो थोड़ा लाइन तो लगाना यार बनता है। जब तक आप लाइन में चल रहे हैं तब तक तो कैमरे से शूट कर सकते हो, व्लॉग करना है या फोटो खींचने क्लिक कर सकते हो, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर पहुँच जाएंगे तो आपको कैमरा बंद कर देना है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ कामाख्या देवी मंदिर की कहानी वाकई में बहुत रोचक है। कहते हैं राजा दक्ष की बेटी रानी सती ने अपने पिता के घर पर उनके पति भगवान शिव का अपमान होने पर खुद के प्राण त्याग दिए थे। तो प्रजापति दक्ष ने शिव जी की निंदा करने शुरू की, कोई भी स्त्री अपनी पति की निंदा नहीं सुन सकेंगे, तो इसलिए तो आपने आपको जलाकर भस्म कर डाले उस महायज्ञ में। और फिर भगवान शिव ने क्रोध में आकर माँ सती के मृत शरीर को अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा अगर भगवान शिव नहीं रुके तो पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के सभी अंगों को काट दिया और उनके 51 अंग जिस जिस जगह पर गिरे वो सभी शक्तिपीठ हो गए।
यहाँ पे योनि भाग गिरा तो यहाँ पे योनि खंड ये कामाख्या देवी के नाम से ये शक्तिपीठ प्रसिद्ध है और ये सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहते हैं जहाँ से हम लोग जन्म लेते हैं। आपका नाम पंडित जी? भास्कर शर्मा। तो ये भास्कर शर्मा जी ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो यहाँ की कहानी है। गुवाहाटी में अगर आप आते हो तो इस मंदिर को देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए, है ना पंडित जी? जी जरूर, यहाँ पे जो एक बार आते हैं बार बार दर्शन कर पूजा का तो बार बार आते रहते हैं। बहुत महत्व है। जी जी जी, और इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी। मंदिर में प्रसाद खाते हैं। जय माता दी। सो अभी मंदिर के बाहर आ गया हूँ मैं और जो अपने दो भाई लोग थे वो निकल गए हैं और अब यहाँ से बन गया हूँ मैं सोलो ट्रैवलर। अभी देखते हैं आगे क्या है। चलो भाई, उस जगह को क्या बोलते हैं ऊपर जो भुवनेश्वर टेंपल, कितना दूर है यहाँ से? चलो तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर ब्रह्मपुत्र रिवर की साइड है जहाँ से देखने में बहुत अच्छा व्यू मिलता है हमें और भुवनेश्वरी टेम्पल है तो वो भी देख लेते हैं। और मैं स्पेशली जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एक व्यू पॉइंट है वो देखना है। एक्चुअली यहाँ पर मंदिर बहुत ही ज़्यादा है, इससे गुवाहाटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। ये भाई साहब ने मेरे से 150 रुपये लिए हैं, 150 रुपये में ये मुझको ऊपर तक लेकर जाएंगे, रिवर साइड दिखाएंगे, मंदिर के दर्शन कराएंगे क्या मतलब अपने आप कर लेंगे हम, और उसके बाद वापस इसी जगह छोड़ेंगे ये कामाख्या टेम्पल के गेट पर। वाकई में बहुत पीसफुल जगह है ये, और ये ऊँचाई पर है इसलिए नीचे की रोड और उनका जो ट्रैफिक का साउंड होता है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है, शांति है चारों तरफ। भुवनेश्वरी टेम्पल, यहाँ से सिटी का भी व्यू देखा जा सकता है। मुझे तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पर आई एम श्योर कैमरे में वो चीज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुंध छाया हुआ है यहाँ, तो उस वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जैसा मैं सोच कर आया था कि जैसा व्यू मुझे यहाँ पर दिखेगा वैसा नहीं दिखा है। अब 150 रुपये ऊपर आने के जाने के दिए हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर नीचे चलते हैं। अभी दोपहर के 2 बज गए और मैं हूँ फैंसी बाज़ार के पास। फैंसी बाज़ार के पास ये स्ट्रीट है और यहाँ पर एक घाट है, ये शुक्रेश्वर भगवान शिव का टेंपल है पीछे और उन्हीं के नाम से ये घाट है बगल में जो बना हुआ है, इसका नाम है शुक्रेश्वर घाट। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो यहाँ का लोकल क्राउड है, जो यहाँ का यूथ है ख़ासतौर से, वो यहाँ पर आता है घूमने के लिए, चिल आउट करने के लिए। और बहुत सारे पीछे लड़के हैं जो अपना म्यूज़िक बैंड वगैरह भी लेकर आए हैं, गिटार वगैरह प्ले आउट करने की तैयारी कर रहे हैं, स्पीकर्स लेकर आए हैं, कैमरा भी लेकर आए हैं, शायद कुछ शूट वूट कर रहे होंगे वो बच्चे। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसके किनारे पूरा गुवाहाटी शहर फैला हुआ है। एक्चुअली मेरा यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था, इस जगह के बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन कामाख्या टेम्पल से जब मैं निकला तो उस ऑटो वाले बंदे ने मुझको बताया कि अगर आपको एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर देखनी है तो यहाँ पर आ जाओ शुक्लेश्वर घाट पे। तो यहाँ पर आना सही डिसीजन था, अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। बहुत ही स्टीप स्टेयर्स हैं इसकी, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है तो बड़ा संभल के उतरना चढ़ना पड़ता है, वरना ज़रा सा अगर पैर स्लिप हुआ तो वहाँ से सीधे वहाँ ना, तो ज़रा संभल के निकलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, इसी ट्रैक से होकर ही क्रॉस करनी है रोड, कहीं से भी आप पार नहीं कर सकते जैसा हमारे शहरों में होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है गुवाहाटी में, इवन पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कि रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं लोग रोड पे। अगर आप चल के जा रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, अगर कोई गाड़ी आ भी रही होती है तो आपको देखकर रुक जाती है, आप रोड क्रॉस करेंगे फिर वो आगे जाएगी। ये सारे बदलाव मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में आने चाहिए। यही चीज़ अगर मुंबई में होती है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होते और सामने से कोई गाड़ी आ रही होती तो वो और दुगनी स्पीड से गाड़ी बढ़ाता है कि बेटा तुम पीछे हट जाओ ना कुचल दिए जाओगे। तो अभी हम आ गए हैं श्रीमन शंकरादेव कला क्षेत्र। यह आसाम का एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर आकर आप यहाँ का कल्चर देख सकते हैं। बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर क्या क्या एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है, बस थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था इसके बारे में गूगल में, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। तो ये 2 टिकट ले लिए मैंने, 30 रुपये एंट्री फीस है यहाँ पर, और अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो आपको 100 रुपये अलग से देने कैमरे के, और अगर सिर्फ स्टिल्स निकालने हैं
तो सिर्फ 10 रुपए आपको देने हैं। और बैकग्राउंड में असमीज म्यूजिक भी चल रहा है। अंदर आकर यहाँ पर 3 बड़े बड़े म्यूजियम बने हैं जिनमें आप जा सकते हैं। एक यहाँ पर बना है साहित्य संगीत नाटक भवन, और ये है पूर्व ज्योति म्यूजियम, और तीसरा उस तरफ है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका म्यूजियम। तो तीनों अलग अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर आप जा सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, पूर्व ज्योति म्यूजियम से। असम का एक ड्रामा है जो महाभारत रामायण ऐसे ऐसे ड्रामा होते हैं, ये मुकुटा पहन के ड्रामा करते हैं। मैडम बोल रही हैं कि जैसे रामायण होती है उसी तरह महाभारत का भी यहाँ पर ड्रामा होता है। तो ये सब उसकी कॉस्ट्यूम है, इस तरह पहनी जाती हैं। ये ऐसा अटायर होता है कुछ, आप देख रहे हो जैसे ये स्टैचू जो है ये रावण का स्टैचू है ना जी। और ये हिरण्यकश्यप है, और वो सामने वाले ये जो है ये वराहा विष्णु के अवतार हैं, उनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है दिखाने के लिए। और ये नरसिंह, ये जो है ये है नरसिंह अवतार। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पर, रामायण और महाभारत के बारे में और थोड़ी जानकारी लेकर आप आएंगे तो आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी, है ना मैडम। इसके अलावा बहुत कुछ है, वो बर्तन है मिट्टी के बर्तन, ये भी शायद आसाम के कल्चर से ही रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। तो वो सब भी चीज़ें जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे म्यूजियम हैं यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाकर। म्यूजियम ये वाकई में बहुत बड़ा है। ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो बिहू, जो इनका फोक कल्चरल डांस है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी अगर मौका मिला दोबारा आसाम आने का तो बिहू डांस ज़रूर देखना चाहूँगा मैं, तब पता चलेगा ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कैसे होते हैं और इनकी साउंड जो होती है वो कैसी होती है। अप्रैल में होगा। अप्रैल में? अप्रैल में। चलिए ठीक है, अगर दोबारा बुलाएगा आसाम तो ज़रूर आएंगे। रेशम के कीड़े को इस तरह से पेड़ से उतारा जाता है और फिर यहाँ ऐसे बैठकर इस चरखे से घुमाकर रेशम के धागा बनाया जाता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से जो आसामी सिल्क है वो तैयार होता है, और इस तरह का जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पहने जाते हैं। आसामी दूल्हा दुल्हन शादियाँ होती हैं उसमें ऐसा ही ड्रेस पहना जाता है। बहुत खूब। ये जो है बोडो ट्राइब है उसको बटरफ्लाई डांस बोलते हैं, बहुत सुंदर है ये ड्रेस। ड्रेस भी अच्छा है और डांस भी बहुत अच्छा। तो ये भी एक तरह के ट्राइब है, ट्राइब ही है, बहुत सारा ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके अंदर ये भी एक है। और ये आसाम का बिहू डांस, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो जो बफेलो का जो सींग होता है उससे ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। ये देखो, ये हमने नीचे भी देखा था अभी। जब भी आप आसाम में आते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपको एक गमछा जो होता है ना, गमछा पहनाया जाता है, ये वही है ये सामने। और इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, मतलब इसे कहा जाता है लूम। लूम बोलते हैं लेकिन हमारा आसाम में पातचाल बोलते हैं। मैडम जो हमारे साथ हैं इनका नाम है पूर्णाली, इन्होंने हमें बहुत बहुत डिटेल में यहाँ के बारे में बताया है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इनसे पूछा कि आप सबको बताती हैं या जैसे कोई परमिशन लेकर आए सिर्फ उनको बताती हैं, तो इन्होंने बोला अगर आप जानना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो ये ज़रूर बताते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको किसी भी कम्युनिटी का कल्चर जानने को मिलता है तो उसे डिटेल में समझिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। मुझे भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ बिहू डांस के बारे में पता था, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। बहुत तरह तरह के डांस होते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, उनके अलग अलग कपड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस जगह ज़रूर आइए, और अच्छे से 2 से 2.5 घंटे का समय लेकर आइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल का नाम, चैनल मैडम हमारा चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है ब्लॉग ऑन विद प्रशांत, मैंने अंदर लिखा। अच्छा, मैंने स्पेशल परमिशन ली है इस वीडियो के लिए, मैं आपको बता दूं, मैंने टिकट तो ले लिया था 100 रुपये का, लेकिन जब अंदर आया फोटो भी अलाउड नहीं है। बच्चों थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो अगर आप अंदर आते हैं तो आपको टिकट ज़रूर लेना पड़ेगा 100 रुपये का, तब आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन बाहर के प्रीमाइसिस में। अगर आपको अंदर शूटिंग करनी है, आपका कोई चैनल है, आप उसके लिए अगर आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ की सेक्रेटरी से। मेरे पास कम समय था लेकिन मैं गया वहाँ पर उनके ऑफिस में, एक लेटर लिखा, तब उन्होंने मुझे अलाउ किया कि इन मैडम के साथ जाकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं और इनकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैडम एक बार फिर से, अभी यहाँ से चलते हैं और जितना पॉसिबल होता है मैं देखने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, थैंक यू, ज़रूर ज़रूर नेक्स्ट टाइम आऊँगा। ये सामने भूपेंद्र हजारिका म्यूज़ियम है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। भूपेंद्र हजारिका जी को जितने भी अवार्ड मिले थे वो सारे अवार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं,
बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अगर मौका मिला तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और इस म्यूज़ियम को वापस से आके एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि यहाँ पर दिन बहुत छोटा होता है तो समय की पाबंदी है थोड़ी, है ना, तो डे लाइट ख़त्म होने से पहले पहले देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। वालफत बस स्टॉप के पास ये एक शॉप है जिसका नाम है सिल्क लॉय, सॉरी। तो अगर आप लोग सिल्क पसंद करते हो, सिल्क स्टॉप पसंद करते हो और कभी आप आसाम आते हो और आसाम में गुवाहाटी आते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस शॉप में ज़रूर आना जिसका नाम है सिल्कालय, ठीक है। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था सही नाम प्रोनाउंस करने का, फिर उन्होंने बताया जैसे पुस्तकालय होता है वैसे ये सिल्कालय है। मतलब सिल्क का इतना सारा वेरिएशन, इतनी सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे जो मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर इन लोगों से मिला तब इन्होंने मुझे बताया। सिर्फ आप ट्रेडिशनल करोगे बहुत स्मॉल परसेंटेज लाइक्स ओनली हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, बट इफ यू गो इनटू समथिंग डिजाइनर देन अ यंगर ऑडियंस विल आल्सो गेट मोर अट्रैक्टेड। तो मुझे यहाँ पर रीमा जी मिल गई और उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिशनल आसामीज सिल्क नहीं है जिसको लोग सुनते आए कि हमेशा यही एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर मिलती है। श्री सिंह के उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिल्क हैं जो अगर लोग यहाँ बाहर से आते हैं आसाम को एक्सप्लोर करने के लिए गुवाहाटी में तो उनको वो सब भी देखना चाहिए, राइट। और उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए तो वो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, वो ये बताएंगे। So I represented Assam Textile for the Gujarat Textile Fair that was held in 2018. So during that, I mean, I realized that Assam has a lot to offer than just your normal white and red sort of the bridal Assam silk sarees. And apart from one kind of Assam silks, there is like a wide variety. So Muga silk actually royalty use करती थी and after every wash आपका Muga silk का luster और बढ़ता रहता है और shiny होता रहता है। आप एक बार अगर ले लेंगे then you will really enjoy wearing it. Secondly Eri silk, अगर आप किसी भी तरह का non-violence practice करते हैं अपनी life में, so Eri is the only form of silk जिसमें आप silkworm को मारते नहीं हैं, आप पूरा उसकी lifespan के बाद आप उसका जो silk वो weave करता है आप उसको use करते हैं। एरी सिल्क की थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो गर्मियों में आपको ठंडा रखेगा और ठंड में वो आपको गर्म रखेगा। सो इन्जॉय यूजिंग बोथ दिस काइंड ऑफ सिल्क्स ऑल्सो जब भी आप आसाम आएँ। ब्यूटिफुल डिज़ाइंस, गॉर्जियस कलर्स, मतलब इनके आप चाहे साड़ीज बनाएं, सूट्स बनाएं, कर्टन्स, कुशन्स, आप कुछ भी इनका कर सकते हैं। ये मतलब आपकी वार्डरोब में आप इसको सालों साल तक चेरिश करेंगे, कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, फटने वाली चीज़ें नहीं है। जो ये सिल्क्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। सो जब भी आप आसाम आएँ एक बार आसाम सिल्क और उसकी सभी वराइटीज़ को एक बार चेकआउट करें और आप अपनी रिसर्च करिए और कम पैसों में बहुत अच्छा आइटम आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये, कभी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आना। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, देख सकते हो पीछे अंधेरा हो गया है और अब मुझे यहाँ का आसामीज़ फूड टेस्ट करना है। उसके बारे में भी मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है डेलिकेसी, तो वहाँ पर मुझे आसामीज़ फूड टेस्ट करने के लिए मिल सकता है। पता करते हैं कहाँ पर है। हेलो प्रशांत, ओके, इज़ अ मैनेजर ऑफ दिस रेस्टोरेंट गम्स डेलिकेसी, होटल का नाम है। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको बोला कि मुझे आसामीज फूड ट्राई करना है, वो भी वेजिटेरियन। इन्होंने बोला कि आप थाली ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा 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 क्वान्टिटी में सब कुछ आ जाएगा, जो वेज, हाँ वेज आइटम आ जाएगा, आप टेस्ट भी कर लोगे। और अकेला हूँ मैं तो ज़्यादा वैसे भी नहीं खा पाऊँगा, तो थाली विल बी बेटर आएगा। ब्लैक दाल, ज्वार राइस, दिस इज येलो दाल, दिस इज खार। खार बनाना छिलका, यू नो बनाना का जो छिलका होता है उसको मतलब ड्राई करके रखते हैं, उसके बाद ड्राई करने के बाद पानी में मिक्स करते हैं, वही पानी आके पपाया या इसके साथ वाइट लेमन के साथ बना सकते हैं। पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो एंड दैट रोस्टेड टमाटर, इट्स सोखा। सोखा दिस इज द केबेज एंड कैबेज, या केबेज एंड पोटैटो ड्राई भाजी। बनाना करी विद बेसन पकौड़ा, येलो दाल का चटनी है, दिस इज द ऑलिव पिकल एंड दिस इज द लाइम पिकल। हिंदी में इसको खीर बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आसामी पायो, इंडियन डिजर्ट बट वी कॉल इट पायो।
तो मैं फटाफट थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, जिसको ज्वारी राइस बोल रहे हैं। दाल बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आ रहा है। मतलब यहाँ का जो ट्रेडिशनल आसामीज़ फूड है, उसमें अभी तक जितना मैंने देखा मसाले बहुत कम होते हैं, बहुत लाइट मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। सादा खाना, हल्का खाना खाते हैं। खीर और टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मुझे खीर बहुत अच्छी लगी। तो इस खीर में जो मिठास है वो बहुत एवरेज है, मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं मीठा कम खाता हूँ। इसमें शुगर उतनी क्वांटिटी में नहीं है, तो मज़ेदार है। ये है बनाना का पकौड़ा। उसको बनाना को रैप किया गया है बेसन में लपेट के और डीप फ्राई किया गया है, डीप फ्राई। और इसमें मैंने लगाई है दाल की चटनी, क्योंकि मसाले बहुत कम डालते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा सादा टेस्ट है, बट कुछ अलग है, डिफरेंट है, अच्छा है। खाने के बाद माउथ फ्रेशनर आया है, वो भी देखिए काफ़ी अलग टाइप का है। पान का पत्ता दिया है, ड्राई पान का पत्ता, सौंफ है, सुपारी है ना ये? सुपारी। और ये जो ये बर्तन है, ये भी है बेल मेटल, जिसको हम बोलते हैं कांसा। आप किसी भी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जाएंगे, जो असमीज रेस्टोरेंट होगा, ट्रेडिशनल फूड जहाँ मिलता है, वहाँ पे आपको इसी तरह खाना सर्व किया जाएगा कांसे के बर्तनों में। तो यहाँ का खाना हमारा हो गया और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आकर। आपको कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर आना। होटल का नाम है गम्स डेलिकेसी, GS रोड पे है ये, गणेश गुनी रोड पर है। और अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। कल का क्या प्लान है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यार ये वाली सर्विस ना मुंबई में भी होनी चाहिए, ओला उबर को कैब के साथ अब बाइक भी चला देनी चाहिए मुंबई में। मेरा नाम बाबुल इस्लाम। हाँ बाबुल इस्लाम। तो भाई का नाम है बाबुल इस्लाम और ये मेरे को छोड़ रहे हैं मेरे होटल तक। मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का। अभी मैं अपने होटल से विशाल मॉल तक गया था तो मुझे 100 रुपये लगे थे ऑटो से जाने में, और भाई बड़ा बड़बड़ कर रहा था, एक पैसा कम नहीं किया। और अभी वहीं से मैं यहाँ पर आया हूँ ओला के बाइक से, तो मुझे सिर्फ आए 15 रुपये, समझे? बजट ट्रैवलिंग में कितनी काम की चीज़ है ओला बाइक, देखो। और ओला वालों, तुम्हारा प्रचार कर रहा हूँ, तुम लोग भी कुछ करो इसका। समय कम था मेरे पास, वरना मैं एक दिन और रुकता यहाँ पर। और बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए यार। बाय द वे आपको बता दूँ, कल मैं शिलोंग जा रहा हूँ सुबह। पेपर पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि कहाँ कहाँ पे जाना है, वो मैंने लिख के रखा है, कल ही बताऊँगा उसके बारे में आपको। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हर बार की तरह बोल देता हूँ फिर से भाई मेरे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हर बार की तरह मैसेज करके ये ज़रूर बताना कि जो एक दिन में मैंने कोशिश करी है अपने तरीके से गुवाहाटी को एक्सप्लोर करने की, वो आपको कैसी लगी। मतलब वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा या कुछ कमी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। शिलोंग के पुलिस बाज़ार में 15 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर, ठंड है, और रात होते होते आई थिंक ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर आपको खासी फूड भी मिल जाएगा। मैं हूँ अभी दिल्ली में स्टैंड भंडार में, और शिलोंग में आकर अगर दिल्ली वाला टेस्ट मिल जाए इस मिठाई में तो क्या बात है। ये शिलोंग में लबान करके एक छोटा सा कस्बा है, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ के साथ सामने जो नज़ारे हैं इस कस्बे के वो ले रहे हैं। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी के नाम पर इन्होंने द 3 लिटिल बर्ड्स रेस्टोरेंट का नाम रखा है। बहुत ही आर्टिस्टिक कैफ़े है, इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा कूल और क्रिएटिव है। इस एरिया में, इस मोहल्ले में कोई भी अलग कास्ट का बंदा नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ खासी कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं। एज क्या है? एज 13। बच्चा पूछ रहा है चैनल का नाम, तो बता देता हूँ। खुद का मोबाइल है तुम्हारा? नहीं। तो तुम्हारे घर वाले दे देते हैं तुमको? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नॉट इसके लोग।